झारखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार झारखंड सरकार कदम बढ़ा रही है, और अब इस कदम में एक और कड़ी जुड़ी है। जो अब एयर एम्बुलेंस की सेवा है वह झारखंड वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरुआत कर दी है। बता दें कि यह जो सामने आप एयर एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया है खुद फीता काटकर। और इसके जुड़े जो नंबर है कि जहां से एम्बुलेंस बुक की जाएगी उसके लिए एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जारी किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब शुभारंभ कर रहे थे उसके बाद लोगों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में अगर झारखंड से बाहर जाने की ज़रूरत किसी को इलाज के लिए पड़ती थी तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था, दूसरे जगहों से एम्बुलेंस रांची या अन्य जगहों पर लाई जाती थी। लेकिन अब जो यह एम्बुलेंस है 24 घंटे और सातों दिन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी, और इस एम्बुलेंस को बुक करने के महज 2 घंटे के बाद जो कागजी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा और फिर एम्बुलेंस के उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार रहेगी। और इसके अलावा एक अहम बात हम करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन के दौरान साफ तौर पर कहा कि वैसे लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी जो गरीब है, गरीबों के लिए भी सरकार जो फंड होता है उस फंड के तहत एयर एम्बुलेंस के जरिए अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है बाहर भेजने की तो उन्हें बाहर भेजने का काम करेगी और बेहतर इलाज के कराने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में। सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है, चाहे वो राजनेता हो कोई भी। इसीलिए आज ये हम लोगों ने पहल किया है, हम यहाँ लगातार हम लोग आज एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर मैं यहाँ देखता हूँ कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी ना किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहदें भी हुई हैं। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें पता चला है कि यहाँ लगातार बड़े पैमाने पे लोग बड़ी स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है, और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाए। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है, अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को सड़क मार्ग से लाने का लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो और अगर बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके। में कुछ ये भी देखा है कितने में लोगों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करते हैं उनको बहुत बड़े
एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। आज उसमें बहुत किफायती दर में उनको यहां से ले जाया जाएगा। हमारे विधानसभा में कई बुजुर्ग नेता लोग अक्सर हाँ उनकी तबीयत खराब होते हुए आप लोगों ने सुना है, कई बार उनको एयरलिफ्ट भी कराए गए। और अभी तो कल ही हमें रात में सूचना मिली है कि हमारे स्टेफन मरांडी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी भी सीरियस स्थिति है, वो दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी दुर्गापुर में ही एक हमारा जवान धनबाद जिले का था, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एयरलिफ्ट करने का भी परमिशन डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उस जवान को भी हम लोगों ने सिंपल, एक जवान हमारा साधारण जवान, वो हम लोगों ने एयरलिफ्ट करा करके दूसरे राज्यों में इलाज कराया और आज वो जवान पुनः अपनी ड्यूटी पे तैनात होकर राज्य की सेवा कर रहा है। कैसे हो, इस पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, पूरे देश को सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया है कि आपातकाल, ये कहा जा सकता है कि आपातकाल ही होता है किसी के लिए स्वास्थ्य सेवा। और आपातकाल में बहुत नई पुरानी चीजें देखने समझने को मिलता है और सीखने के लिए भी मिलता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने हमारे राज्य में तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बनावट है कई चीजों में जरूर कमी है, इन कई चीजों में हम आज उन चीजों को अगर सजाए बेहतर तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि राज्य जिले किसी तरीके की कोई समस्या आने वाले समय में समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। हमारे राज्य में अनेकों एयर स्ट्रिप्स हैं, धनबाद में हमारा एयरपोर्ट है, दुमका में एयरपोर्ट है, गोड्डा में, देवघर में एयरपोर्ट है, गिरिडीह में एयरपोर्ट है, डाल्टनगंज में एयरपोर्ट है, गुमला में एयरपोर्ट है, साहेबगंज में नया एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी हमारे पास आया है। तो कई ऐसे एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट बने हैं उन सभी एयरपोर्ट में ये प्लेन को ट्रायल लैंडिंग करके भी देखा जा चुका है, ये एम्बुलेंस वहां उतर सकता है। और जो एयरपोर्ट हमारे पास है जहाज का रनवे नहीं बना है, जिसकी बाउंड्री नहीं हुई है, उन सब रनवे को बनाने का निर्देश भी दिया जा चुका है ताकि कहीं से भी राज्य में किसी भी जगह से हम अपने मरीजों को रेस्क्यू कर सके और उनको बेहतर इलाज दे सके, चाहे वो रांची में मिल सके चाहे दूसरे राज्यों में मिल सके। इसलिए आज विशेष कहने का कुछ और नहीं है, एक बेहतर प्रयास करने का एक सोच आपके सामने एक हम लोगों ने आज रखा है और उम्मीद करते हैं कि इस एयर एम्बुलेंस का सेवा से कई लोगों की जानें बचेंगी और इस राज्य के लिए एक ये एयर एम्बुलेंस मील का पत्थर साबित होगा। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान राज्य की स्वास्थ्य सुविधा को किस तरह से और बेहतर करेंगे उस पर पूरी तरह से फोकस किया है और एक यह जो रेड बर्ट की एयर बेस एयर एम्बुलेंस यह पूरी तरह से हाईटेक है और आईसीयू बेस्ड है, तो इसमें चिकित्सक हो या तमाम पायलट हो वो पूरी तरह से रेडी है। और फिलहाल झारखंड के 6 स्थानों से 6 जिलों से यह सुविधा दी जाएगी, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, दुमका और गिरिडीह में यह एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य जगहों पर भी जहां एयरपोर्ट तैयार है, किसी कारणों से वहां पर उड़ान की अनुमति नहीं है, तो वैसे जगहों पर भी एयर एम्बुलेंस की सेवा जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में जो 24 जिला है और सभी स्थानों से एयर एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी कि राज्य के लोगों को किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए। इसमें कैसे सुविधा मिलेगी सर? इसमें सुविधा मेडिकल सपोर्ट है, एयरलिफ्ट है,
फ्रॉम एनी एयरपोर्ट जो भी झारखंड में आपका छोटे से छोटा एयरपोर्ट है बड़े से बड़ा है, हमारे पास डॉक्टर टीम है, एडवांस डॉक्टर टीम है, सफिशिएंट पायलट है और क्वालिफाइड पायलट है सारे, और एयरक्राफ्ट फुली आईसीयू कंडीशन में है, तो कोई भी एन रूट इमरजेंसी या कुछ होता है तो उसके लिए हम मेडिकली हमेशा अवेलेबल हैं। और सीएम साहब का धन्यवाद, उन्होंने स्टार्ट किया, तोहफा दिया झारखंड की जनता को। क्या क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से? सर पूरी तैयारी है, जो भी एक मेडिकल और एयर सपोर्ट जो भी रहता है कम्प्लीटली पूरा तैयारी हमारे तरफ से। अभी आज से कुछ होने वाला है क्या? अभी देखते सर, वो तो मेडिकल पे सर, हम तो दुआ करेंगे जरूरत ना पड़े किसी को कभी मेडिकल की, बट अगर पड़ती है तो उसके लिए हम। टाइमिंग क्या प्रोसीजर है, मैंने कितने समय? सर 2 घंटे, विद इन 2 आवर्स हम एयरबोर्न हो जाएंगे, एयरलिफ्ट हो जाएंगे। जो रेड बर्ड एयरवेज जो है, और कहां पर सेवा दे रही है झारखंड से पहले, और कहां कहां सेवा दे रही है? सर हमारा तो ऑल इंडिया है जी, झारखंड में पहली। हाँ झारखंड में। कैप्टन अर्पित बालियान। इसके दिशा में लगातार जो है सरकार पहल कर रही है, और इसी कड़ी में अब एयर एम्बुलेंस की सौगात झारखंड को मिली है, और आने वाले दिनों में जैसा कि सीएम ने खुद अपने संबोधन में बताया कि तमाम जगहों पर जो अन्य जिले हैं वहां से भी एयर एम्बुलेंस की उड़ान शुरू कर दी जाएगी। तो इसको बुक करने की एक साधारण सी प्रक्रिया है, जो नंबर जारी किया गया सरकार की ओर से और एक ईमेल आईडी, उस पर आपको अपना जो दस्तावेज है वह भेजना है और बात कर, तो 2 घंटे के अंदर बुक करने के आपको एयर एम्बुलेंस पूरी तरह से उड़ान भरने को तैयार हो जाएगी। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।